अल्कलाइन वाटर, वाटर को अल्कलाइन आजकल मशीन्स भी करती हैं जो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है पेशेंट्स के लिए। अगर वाटर को अल्कलाइन करना है, क्योंकि जो वाटर आजकल पोर्टेबल वाटर जो आ रहा है वो एसिडिक है, और वाटर को न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन अगर अल्कलाइन हो तो अल्कलिनिटी में डिजीजेस जलती, एसिडिटी में बॉडी जलती है, अल्कलिनिटी में बॉडी पलती है। तो अल्कलाइन वाटर आपके बॉडी का पोषक है। अगर और आप कुछ भी करते हैं तो आप एसिड बनाते हैं। अगर कोई थॉट भी आता है तो एसिड बनता है, कुछ खाते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड बनता है, कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। दिन भर बॉडी एसिड बनाती रहती है। इस एसिड को निकालने में आम इंसान आराम से निकाल सकता है। निकालने के चार तरीके हैं। रेस्पिरेशन, लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, अल्कलाइन ब्रीदिंग कहते हैं। परस्पिरेशन, पसीना निकलना। यूरिनेशन, यूरिन करना। डिफिकेशन, पॉटी करना। ये सभी से एसिड निकलता है। लेकिन एक बीमार आदमी जो हम इवैल्यूएट करते हैं कि उतना एसिड नहीं निकाल पा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन हिज क्लिनिकल कंडीशन हम अल्कलाइन वाटर उसको देते हैं, ताकि उसका एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो और वो वेल बीइंग के तरफ, होमियोस्टेसिस के तरफ आए। तो अल्कलाइन वाटर बनाने की विधि तो कई वीडियोस में बताए जा चुके हैं, फिर भी मैं अपने चैनल पे एक ऐसी विधि आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने घर में बड़े आराम से अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। आपको क्या लेना है कि जो भी आपको साफ वाटर दिख रहा है, चाहे वो नल का हो चाहे वो आरओ का हो, आरओ वाटर हम रेकमेंड नहीं करते हैं, आरओ वाटर ठीक नहीं है, डीमिनरलाइज वाटर है, इसीलिए उसको लेके घड़े में डाल देते हैं। तो घड़े में आप पहले से कॉपर का एक बर्तन डाल दें, ताकि उसमें कॉपर भी मिल जाए, और अर्थन पॉट में सभी मिनरल्स बैलेंस्ड वे में होते हैं, तो वो अपने आप, वो ये जो आरओ का पानी है या जो पानी है जो नॉर्मली मिनरल्स डेफिशिएंट वाटर है, वो मिनरल्स को खींच लेता है मिट्टी से या कॉपर से, वो खींच लेता है। और कॉपर डेफिशिएंसीज पूरे भारत में और पूरे विश्व में पानी में बहुत ज्यादा है, इसीलिए कॉपर वाले जो वेसल्स हैं ये कारगर होते हैं, ताकि उसको रीमिनरलाइज किया जा सके, डीमिनरलाइज्ड वाटर को। उसके बाद इसको लाइव वाटर बनाया जाता है। लाइव वाटर में लाइव इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, डेड इंग्रेडिएंट्स नहीं। तो कुछ आप पत्ते यूज करेंगे, जैसे धनिया पत्ती, पुदीना, इसमें आप पीपल का पत्ता भी डाल सकते हैं, बरगद का पत्ता भी डाल सकते हैं, इसमें नीम का पत्ता भी डाल सकते हैं, इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो ये पत्ते आप डाल लेंगे, ये पत्ते पानी को लाइव बना देते हैं। आप इसमें एक एक या दो एक लीटर पानी में एक या दो पूरी मिर्ची डालेंगे, जिसका डंठल है, जिसका डंठल निकला हुआ है वो मिर्ची नहीं डालेंगे, पूरी मिर्ची डालेंगे। एक पूरा टमाटर डालेंगे बिना काटे हुए, जिसमें ग्रीन रंग का आपको ऊपर में दिख रहा है, ग्रीन रंग का उसका केलिक्स निकला होता है टमाटर के ऊपर, वो टमाटर लेंगे और पूरा का पूरा टमाटर डाल देंगे। नींबू को काट के डाल देंगे। अगर आंवला उस सीजन में अवेलेबल है तो आंवला डाल देंगे। अगर आंवला अवेलेबल नहीं है तो एक हरा प्याज डाल सकते हैं। हरा प्याज मतलब स्प्रिंग अनियन, स्प्रिंग अनियन, स्प्रिंग गार्लिक, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई टर्निप है या बीट रूट है जिसके लीव्स निकले हुए हैं, वो भी डाला जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस स्थिति में हम ये डलवाते हैं। जैसे किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो हम बीट रूट का भी डलवाते हैं उसमें,
लेकिन आम एल्कलाइन वाटर में बीटरूट की जरूरत नहीं। तो ये आपका बन गया एल्कलाइन वाटर। अगर इसको रख दें आप आधे घंटे के लिए एक ग्लास के जग में, आप ये पानी सबको ये लेके इंग्रेडिएंट्स को आधे घंटे के लिए रख दें तो ये पीने लायक पानी हो जाता है। अब इसमें अदरक काट के डाल दीजिए, और अगर अगर पॉसिबल है तो आपके पास कच्ची हल्दी है तो वो भी काट के डाली जा सकती है इसमें। दे ये कंप्लीट करता है आपका एल्कलाइन वाटर का पूरा डेफिनेशन। अदरक कई बार हम मना भी करते हैं, इसीलिए मैंने ये लास्ट में यूज किया। अदरक और हल्दी और बीट रूट ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है किसी पेशेंट। तो एक आम एल्कलाइन वाटर बनाने के लिए ये तीनों की जरूरत नहीं है। अदरक थोड़ा बहुत डाल सकते हैं आप, अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन अदरक से वेट बहुत कम होगा। अदरक नॉर्मली मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट कर देता है, तो कई बार हमें मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एल्कलिनिटी चाहिए। तो जो पहले इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं वो बिल्कुल पर्याप्त हैं एल्कलाइन वाटर के लिए। वो पानी आपको एक या दो ग्लास मैक्सिमम पीना है, और उसको छोटे छोटे शॉट्स में पीना है, मुंह में चला चला के उसको छोटे छोटे शॉट्स में पीना है। आप एक साथ गट गट करके नहीं पीना है उसको, और मैक्सिमम 2 ग्लासेस पीने हैं, इससे ज्यादा नहीं पीना है, क्योंकि आप अपने बॉडी को पूरा एल्कलाइन अगर बना देंगे तो याद रखिए स्टमक हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। तो जिन लोगों को रिफ्लक्स है, जिन लोगों को जीआरडी सिंड्रोम है, जिनको एसिडिटी सा लगता है, यहाँ पर सीने में जलन होती है, वो लोग एल्कलाइन वाटर यूज कर सकते हैं। जो लोग बहुत बहुत जल्दी, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जो क्रोनिकली कॉन्स्टिपेटेड हैं, वो लोग भी यूज कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों को एसिडिटी है वो एल्कलाइन वाटर पी सकते हैं, लेकिन उसको कितना पीना है, उसको 2 ग्लास से ज्यादा नहीं पीना, दैट मीन्स 500 ml से ज्यादा नहीं पीना है, उससे कम पी सकते हैं। और वो शॉट्स में पीना है, छोटे छोटे शॉट्स में, एक साथ एक बार गट गट करके नहीं पी लेना है। जिन लोगों को वेट लॉस हो रहा है उनको एल्कलाइन वाटर नहीं पीना है, जिन लोगों को वेट गेन करना है उनको भी एल्कलाइन वाटर नहीं पीना है। बहुत टिपिकल कंडीशंस में एल्कलाइन वाटर पीना है, वो हम आपको विथ डिजीज बता देंगे। मैं इसमें एल्कलाइन वाटर बनाने की विधि बता रहा हूं।